हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के सिविक्स का चैप्टर सत्ता की साझेदारी का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है तो आप कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें वीडियो में बताया जाने वाला सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप बीच में स्किप ना करें बल्कि वीडियो को पूरा देखें बच्चों आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से देखेंगे पहले की वीडियो में हमने तक के प्रश्नों को कवर किया है आप उस वीडियो को अवश्य देखें क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों की प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं थी तो बताना है बच्चों कि कौन सा उनकी प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं थी मांग तो थी लेकिन प्रारंभिक नहीं थी पहला ऑप्शन है एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल की मान्यता दूसरा क्षेत्रीय स्वायत्तता तीसरा नौकरी और शिक्षा हासिल करने में अवसर की समानता और चौथा है एक स्वतंत्र तमिल इल्म का निर्माण तो देखिए उनकी प्रारंभिक मांगों में उनकी भाषा जो तमिल श्रीलंकाई थे उनकी भाषा को मान्यता देना यह एक प्रारंभिक मांग थी उनकी उसके बाद क्षेत्रीय स्वायत्तता यह भी प्रारंभिक मांग थी और वह यह भी चाहते थे कि नौकरी और शिक्षा दोनों में उन्हें समान अवसर मिले लेकिन यह सब उन्हें नहीं मिल रहा था क्यों नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ पर किसका आधिपत्य था सिहली भाषियों का भाषी लोग जो थे वह श्रीलंका में चौहत्तर प्रतिशत थे जिस वजह से सभी चीज़ें किसको दी जा रही थी सिहली भाषी लोगों को तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक मांगों में से एक नहीं था एक स्वतंत्र तमिल इल्म का निर्माण वह चाहते थे कि उनका एक स्वतंत्र तमिल इल्म हो लेकिन यह उनकी प्रारंभिक मांगों में से नहीं थी और यह क्या है बच्चों कमेंट करके बताएं पिछले वीडियो में मैंने आपको तमिल इल्म के बारे में बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1980 के दशक तक श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म की मांग करते हुए श्रीलंका के निम्नलिखित में से किस हिस्से में कई राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया पहला ऑप्शन है उत्तर भाग दूसरा पूर्वी भाग तीसरा पश्चिमी भाग और चौथा है दोनों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब देखिए 1980 के दशक तक श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी दोनों हिस्सों में एक स्वतंत्र तमिल इल्म राज्य की मांग करते हुए कई राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया था तो पता चल गया आपको कि तमिल इल्म क्या है एक राज्य है जिसकी मांग कर रहे थे श्रीलंकाई तमिल नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंख्यक बाद एक विश्वास है कि डैश समुदाय को अल्पसंख्यक की इच्छाओं और जरूरतों की अवहेलना करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए पहला ऑप्शन आपके सामने है अल्पसंख्यक दूसरा केंद्र तीसरा बहुसंख्यक और चौथा है सामुदायिक तो देखिए बच्चों बहुसंख्यक बाद एक विश्वास है कि बहुसंख्यक समुदाय क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की इच्छाओं और जरूरतों की अवहेलना करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए तो यह किसका विश्वास था बहुसंख्यक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में दो विरोधी समूहों के बीच युद्ध जैसे संघर्ष को कहते हैं पहला ऑप्शन है शीत युद्ध दूसरा गृह युद्ध तीसरा जातीय युद्ध और चौथा इनमें से कोई नहीं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कहा जा रहा है कि किसी देश में यानी देश के अंदर ही दो विरोधी समूहों के बीच जो युद्ध होता है उसे क्या कहते हैं तो श्रीलंका में वो दो विरोधी समूह कौन थे एक थे सिंहलीभा लोग और दूसरे थे तमिल भाषी लोग तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध शुरू हो गया था इसे कहते हैं गृह युद्ध आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपाय से श्रीलंका में गृह युद्ध नहीं होता पहला ऑप्शन है सिंहल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों के पक्ष में आधिमान्य नीतियाँ बनाना तीसरा राज्य द्वारा बौद्ध धर्म की रक्षा को बढ़ावा देना और चौथा श्रीलंकाई तमिलों को समान राजनीतिक अधिकार देना तो गृह युद्ध नहीं होने का उपाय बताना है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब वहाँ सिंहली भाषी लोग भी रहते थे और श्रीलंकाई तमिल भी रहते थे अगर दोनों को समान अधिकार दिया जाता बच्चों तो बच्चों वहां पर यह विनाशकारी गृह युद्ध होता ही नहीं Next question है, बेल्जियम सरकार ने एक ही देश में सभी को एक साथ रहने के योग्य बनाने के लिए कौन से बड़े कदम उठाए अब इनमें से सही विकल्प बताना है कि क्या होगा पहला ऑप्शन है उन्होंने अपने संविधान में चार बार संशोधन किया दूसरा उन्होंने तीन बार अपने संविधान में संशोधन किया तीसरा है उन्होंने सिर्फ उन्हें कम्युनिस्ट सरकार बनाने के लिए कहा और चौथा है ए और सी दोनों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम सरकार ने एक ही देश में सभी को एक साथ रहने के योग्य बनाने के लिए उन्होंने अपने संविधान में चार बार संशोधन किया और यह संशोधन किया गया था 1970 से लेकर के 1993 के बीच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस सरकार के पास सांस्कृतिक शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों के संबंध में शक्ति है पहला है राज्य सरकार दूसरा सामुदायिक सरकार तीसरा केंद्र सरकार और चौथा है प्रांत सरकार तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम में सामुदायिक सरकार के पास सांस्कृतिक शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों के संबंध में सख्तियाँ हैं अब देखिए बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा तीसरी सरकार भी है वह है सामुदायिक सरकार इसे एक समुदाय के लोगों द्वारा चुना जाता है अब बेल्जियम में तीन भाषा बोली जाती है डच फ्रेंच और जर्मन ठीक है तो बच्चों ये तीनों भाषी अपने भाषा के अनुसार सामुदायिक सरकार को चुन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी शहर कौन सा है पहला है बेलोनिया दूसरा ब्रुसेल्स तीसरा एंटर्प और चौथा है पेरिस तो बच्चों बेल्जियम की राजधानी पूछ रहा है कि बेल्जियम की राजधानी कौन सा शहर है इन चारों शहर में आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर और हमने कई बार इस पर डिस्कस भी किया है तो अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं पहला संबंधित भाषा समुदायों से संबंधित लोग दूसरा बेल्जियम के सभी नागरिक तीसरा बेल्जियम के नेता और चौथा बेल्जियम की केंद्र सरकार के मंत्री तो देखिए अब यहाँ पर बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव किस प्रकार होता है तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि सामुदायिक सरकार जो है वह चुनी जाती है संबंधित भाषा समुदायों से संबंधित लोगों के द्वारा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम सरकार सरकार के डैश रूप से संघीय स्वरूप में स्थानांतरित हो गई फर्स्ट ऑप्शन है समायोज्य दूसरा सत्तावादी तीसरा एकात्मक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकात्मक बेल्जियम सरकार सरकार के एकात्मक रूप से संघीय स्वरूप में स्थानांतरित हो गई और यह कब किया गया 1993 में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके तहत बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में शक्ति साझा की जाती है पहला ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक समूह दूसरा सरकार के विभिन्न अंग तीसरा केंद्र और राज्य सरकार चौथा है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए विभिन्न सामाजिक समूह नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का बंटवारा अच्छा है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है यह सत्ता के बंटवारे के किस कारण का उदाहरण है पहला विवेकपूर्ण दूसरा नैतिक तीसरा कानूनी और चौथा इनमें से कोई नहीं तो देखिए बच्चों यह जो है वह विवेकपूर्ण नीति का कारण है तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता के बंटवारे के विवेकपूर्ण कारण का उदाहरण है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का बंटवारा नहीं करने से क्या होता है पहला ऑप्शन है सभी समुदायों के बीच शांति दूसरा बहुमत का अत्याचार और अल्पसंख्यक का उत्पीड़न तीसरा लोकतंत्र की भावना की उपेक्षा और चौथा है दोनों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों अब देखिए सत्ता के बंटवारे से बहुसंख्यक बाद का अत्याचार और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न क्या हो जाता है बढ़ जाता है और लोकतंत्र की भावना की उपेक्षा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के बंटवारे का एक विवेकपूर्ण कारण कौन सा है पहला यह समुदायों के बीच संघर्ष की भावना को कम करता है और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है दूसरा सत्ता साझाकरण लोकतंत्र की आत्मा है तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के बंटवारे के कारण इस तथ्य पर जोर देते हैं पहला यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है दूसरा यह सामाजिक समूहों की संघर्ष की संभावना को कम करता है यह अल्पसंख्यकों को उचित हिस्सा देता है और यह लोकतंत्र की आत्मा है तो इसमें से कौन सा कथन सही है बच्चों कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें जो सभी कथन है, सभी हैं वह सभी सत्य हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के बंटवारे की अवधारणा के संबंध में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला है लोग लोकतंत्र में स्वशासन के प्रतिनिधियों और संस्थाओं के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं दूसरा लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत हैं और इस शक्ति को उनके बीच साझा किया जाना चाहिए तीसरा है लोकतांत्रिक देश जातीय रूप में विविध समूहों और विचारों को सम्मान देने में विश्वास करते हैं चौथा है लोकतंत्र नागरिकों और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं देता क्योंकि सत्ता केवल प्रतिनिधियों के बीच साझा की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला ऑप्शन है सत्ता का बंटवारा केवल उन समाजों में आवश्यक है जिसमें धार्मिक भाषाई और जाति विभाजन है दूसरा है सत्ता का बंटवारा केवल उन बड़े देशों के लिए उपयुक्त हैं जिनके क्षेत्रीय विभाजन है तीसरा प्रत्येक समाज को सत्ता के बंटवारे में किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो चौथा है सत्ता साझा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक समाज को सत्ता के बंटवारे के किसी न किसी, किसी रूप को रूप की आवश्यकता होती है भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सरकार जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता साझा की जाती है क्या कहलाती है पहला ऑप्शन है सामुदायिक सरकार दूसरा एकात्मक सरकार तीसरा संघीय सरकार और चौथा गठबंधन तो देखिए दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता साझा की जाती है इसे कहते हैं गठबंधन सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक लोकतंत्र एक नियंत्रण और संतुलन प्रणाली बनाए रखता है छत्तीस सत्ता बंटवारे की व्यवस्था के आधार पर सही विकल्प का चयन करें पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के बीच दूसरा विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तीसरा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच और चौथा है विभिन्न दबाव समूहों के बीच तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जैसे देशों में जहां संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को अस्पष्ट रूप से निर्धारित करता है यह कहा जाता है पहला सत्ता का एकात्मक विभाजन दूसरा सत्ता का संघीय विभाजन तीसरा सत्ता का कानूनी विभाजन और चौथा सत्ता का सत्तावादी विभाजन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों कमेंट करके फटाफट बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अब देखिए हमारे जैसे देशों में जहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को निर्धारित करता है इसे सत्ता का संघीय विभाजन कहा जाता है क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के बंटवारे से निपटने में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला ऑप्शन है लोग सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है दूसरा एक लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से खुद प्रशासन करते हैं तीसरा लोकतंत्र में समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है तीसरा है लोकतंत्र में यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई है त्वरित तो निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं है तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है आंसर हो जाएगा एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि लोग सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है कौन तो लोग और लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पहला सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता साझा की जाती है दूसरा विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता साझा की जाती है तीसरा शक्ति विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की जाती है और चौथा है सत्ता दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है तो हमने गठबंधन सरकार पर डिस्कस किया है इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन तो -फट विभाजन को डैश के रूप में जाना जाता है पहला है सत्ता के उदरवाधर विभाजन दूसरा सत्ता के क्षेत्र वितरण तीसरा सत्ता के संघ विभाजन और चौथा है सत्ता के सामुदायिक विभाजन तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता के बंटवारे की इस प्रणाली में उच्च और निम्न स्तर की सरकार शामिल होती है जिसे सत्ता का उधर वाधर विभाजन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए तो हमें सही मिलान करना है बच्चों कॉलम ए में है पहला जातीय इसका सही मिलान हो जाएगा देखिए ये चार साझा संस्कृति पर आधारित एक सामाजिक विभाजन दूसरा आपका युद्ध है युद्ध किससे संबंधित होता है एक ही देश के अंदर जब दो समूहों के बीच युद्ध होता है दो विरोधी समूहों के बीच युद्ध होता है उसे कहते हैं युद्ध तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड विरोधी समूहों के बीच संघर्ष तीसरा है विवेकपूर्ण अब विवेकपूर्ण में क्या होगा लाभ और हानि की गणना ठीक है और चौथा आपका है बहुसंख्यक बात तो बहुसंख्यक बाद में तो हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा विश्वास होता है जो बहुसंख्यक समुदाय को किसी देश पर शासन करने देता है तो इसका आंसर आप इस प्रकार बना सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए का फोर बी का होगा आपका थर्ड सी हो जाएगा आपका सेकेंड एंड डी हो जाएगा आपका फर्स्ट तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता पहला है फ्रांस दूसरा नीदरलैंड तीसरा स्वीडन और चौथा लग्जमबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी स्वीडन बाकी फ्रांस नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ करता है नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्जियम में फ्रांसीसी समुदाय का प्रतिशत है पहला है चौवन दूसरा चालीस तीसरा तीस और चौथा है बीस तो फ्रांसीसी समुदाय का प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चालीस प्रतिशत जो है वह फ्रांसीसी समुदाय के लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है पहला है डच दूसरा स्पेनिश तीसरा फ्रांस और चौथा है इतालवी तो डच जो है बच्चों वह प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है पहला ऑप्शन आपका है फ्रांस दूसरा जर्मनी तीसरा लग्जम्बर्ग और चौथा है उपयुक्त सभी तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर फटाफट हमें कमेंट में कमें बताएं कि क्या होना चाहिए इसका इसका आंसर 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 कई बार डिस्कशन हो चुका है इस पर तो आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई सत्ता को सत्ता का डैश कहा जाता है क्या कहा जाता है क्षेत्रिक वितरण दूसरा लंबत वितरण तीसरा तिरछा वितरण और चौथा इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबवत वितरण। अब देखिए संघीय सरकार के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थानीय सरकार सत्ता साझा करती है सत्ता के बंटवारे की इस प्रणाली में उच्च और निम्न स्तर की सरकार शामिल होती है जिसे सत्ता का उधर वाधर यानी लंबवत वितरण कहा जाता है इसे आप उधर वाधर विभाजन भी, भी कह सकते हैं और लंबत वितरण भी कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम ने निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम किया है पहला बहुसंख्यक बात, दूसरा समान प्रतिनिधित्व तीसरा दोनों है और चौथा इनमें से कोई नहीं है तो बेल्जियम ने समान प्रतिनिधित्व पर काम किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है जो डेज के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है पहला है गोवा दूसरा केरल तीसरा तमिलनाडु और चौथा लक्षद्वीप तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए कह रहा है श्रीलंका एक राष्ट्रीय द्वीप है जो डैश के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर है तो भारत का वह तो बच्चों भारत का वह कौन सा राज्य होगा फटाफट कमेंट करके बताएं कि वह कौन सा राज्य है जिससे श्रीलंका जो है वह कुछ किलोमीटर की दूरी पर है इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं फटाफट कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंख्यक वादी संविधान अपनाया गया था किसके द्वारा अपनाया गया था पहला ऑप्शन है बेल्जियम दूसरा भारत तीसरा श्रीलंका और चौथा पाकिस्तान क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों अब देखिए बहुसंख्यक वादी संविधान भारत के द्वारा तो अपनाया नहीं गया था बेल्जियम ने भी इसे नहीं अपनाया था और पाकिस्तान ने भी नहीं अपनाया था तो आंसर होगा श्रीलंका श्रीलंका में जो सिहली लोग थे उन्होंने अपनाया था बहुसंख्यक वादी संविधान जिस वजह से क्या हुआ था वहां गृह युद्ध उत्पन्न हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के सिहली भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है तो सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं पहला ऑप्शन है चौहत्तर प्रतिशत दूसरा पचहत्तर प्रतिशत तीसरा चौदह प्रतिशत और चौथा है उन्नीस प्रतिशत कमेंट करके आंसर बताएं बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की कुल जनसंख्या में श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिशत कितना है पहला 10 प्रतिशत दूसरा 19 प्रतिशत तीसरा 13 प्रतिशत और चौथा है 25 प्रतिशत क्या होगा इसका आंसर बच्चों अब देखिए श्रीलंका की आबादी विविध है अब प्रमुख सामाजिक सिहली भाषी यह है चौहत्तर तमिल भाषी यह है अठारह और श्रीलंकाई तमिल कितने प्रतिशत है तेरह प्रतिशत तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी तेरह प्रतिशत नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सत्ता का बंटवारा वांछनीय है क्योंकि यह पहला ऑप्शन है विभिन्न समुदायों के लोगों को उनके त्यौहार मनाने में मदद करता है दूसरा बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा दूसरों पर थोपता है तीसरा सामुदायिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है और चौथा है राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है तो यहाँ पे सत्ता का बंटवारा वांछनीय है क्योंकि क्या होगा इसका आंसर ये हो जाएगा सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सत्ता का बुद्धिमान बंटवारा किसके बीच किया जाता है पहला विधानमंडल और केंद्र सरकार दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका तीसरा विधायिका और कार्यपालिका चौथा है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तो देखिए बच्चों सत्ता का बुद्धिमान बंटवारा जो है वह विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया जाता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के विभाजन को डैश के रूप में जाना जाता है पहला है सत्ता का उधरवाधर विभाजन दूसरा सत्ता का छैतिक विभाजन तीसरा सत्ता का संघ विभाजन और चौथा है सत्ता का सामुदायिक विभाजन तो देखिए बच्चों सामुदायिक विभाजन तो होगा नहीं ना ही यह संघ विभाजन है और ना ही ये क्षेत्र वितरण है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा लंबवत वितरण या इसे आप कह सकते हैं सत्ता का उधर वाधर विभाजन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैस की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का बंटवारा एक अच्छा तरीका है पहला आबादी दूसरा राजनीतिक व्यवस्था तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट करें बच्चों क्या होना चाहिए राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का बंटवारा एक अच्छा तरीका है नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो इसे क्या कहते हैं पहला है सत्ता का वितरण दूसरा सामुदायिक वितरण तीसरा सत्ता का गठबंधन और चौथा है संघीय वितरण तो यहाँ कहा जा रहा है जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो वह क्या कहलाता है वह कहलाता है बच्चों सत्ता का क्षेत्रिज वितरण अब देखिए बच्चों क्षेत्रज वितरण के माध्यम से सत्ता के विभिन्न अंगों को क्या किया जाता है सत्ता का बंटवारा किया जाता है जिसमें आ जाता है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्ता के बंटवारे का लाभ क्या नहीं है पहला यह लोकतंत्र की भावना को कायम रखता है दूसरा राजनीतिक दलों को उनका अपेक्षित हिस्सा मिलता है तीसरा यह लंबे समय से राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और चौथा यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की भावना को कम करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दलों को उनका अपेक्षित हिस्सा मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन ने है बच्चों डैश में सिंहली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए कब किया गया 1942 में छप्पन में चौबन में या अड़तालीस में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नीस में सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था और यह अधिनियम कब पारित किया गया था 1956 में पारित किया गया था और इस प्रकार तमिल की अवहेलना की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे का रूप नहीं है पहला सत्ता का लंबत विभाजन दूसरा सत्ता का छैतिक विभाजन तीसरा सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन और चौथा लोगों के बीच सत्ता का विभाजन तो बच्चों लोगों के बीच सत्ता का जो विभाजन हो विभाजन है वह सत्ता के बंटवारे का रूप नहीं है बाकी यह तीनों है नेक्स्ट क्वेश्चन है इलम को अलग करने की मांग को लेकर सत्ता संघर्ष किसके द्वारा शुरू की गई पहला सिंहली दूसरा बौद्ध तीसरा तमिलियन और चौथा कोई नहीं तो क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिल जो श्रीलंकाई तमिल थे वह चाहते थे कि इलम को एक अलग राज्य बनाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के बंटवारे से निपटने में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पहला है लोग सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं यह बिल्कुल सही है दूसरा एक लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं यह भी सही है तीसरा है लोकतंत्र में समाज में मौजूद विभिन्न समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है यह भी सही है बच्चों चौथा लोकतंत्र में यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई है तो त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं तो यह जो कहा गया है ऑप्शन नंबर डी में वह बिल्कुल गलत है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला है सत्ता का बंटवारा केवल उन समाजों में आवश्यक है जिनमें धार्मिक भाषाई और जातीय विभाजन है तीसरा दूसरा है सत्ता का बंटवारा केवल उन बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जिनके क्षेत्रीय विभाजन है और तीसरा है प्रत्येक समाज को सत्ता के बंटवारे के किसी न किसी रूप की आवश्यकता होती है भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो और चौथा है सत्ता साझा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन ने है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय और बेल्जियम की सत्ता साझाकरण व्यवस्था के समान है तो यहाँ पे भारतीय और बेल्जियम के सत्ता के साझाकरण के समान है बताना है कि कौन कौन सा है पहला विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सच्चा का बंटवारा दूसरा सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच तीसरा है सत्ता विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा जाती और चौथा है सत्ता विभिन्न दलों के बीच साझा की जाती है और प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेती है तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की जातीय संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सिंगली भाषी चौहत्तर प्रतिशत है तमिलभाषी अठारह प्रतिशत है दूसरा है तमिल में दो उप समूह श्रीलंकाई तमिल है और भारतीय तमिल तीसरा है लगभग सात प्रतिशत ईसाई हैं जो तमिल और सिंगली दोनों हैं चौथा अधिकांश सीघली भाषी हिंदू या मुसलमान है तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर तो देखिए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें जो कथन एक दो तीन है इसे ध्यानपूर्वक पढ़े यह तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कथन और कारण दिया है बताना है कि कौन सा इसमें से सत्य है अभी कथन कह रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय का अत्याचार अत्यधिक वांछनीय है कारण कह रहा है कि यह राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक स्थिर बनाने में मदद करता है तो कारण जो है वह कथन के बिल्कुल विपरीत है बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिकथन और कारण दोनों ही असत्य हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण ही है अभिकथन है बेल्जियम में नेताओं ने महसूस किया है कि विभिन्न देशों की भावनाओं और हितों का सम्मान करने से देश में एकता संभव है और कारण बताया गया कि बेल्जियम में डच भाषी समुदाय का पक्ष लिया है तो कारण तो मुझे लगता है कि अभिकथन के बिल्कुल विपरीत है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिकथन और कारण क्या है दोनों ही असत्य हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभिकथन और कारण ही है अभिकथन में कहा जा रहा है बेल्जियम में फ्रेंच भाषी समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली है तो ये बिल्कुल करेक्ट कहा गया है कारण है बेल्जियम सरकार में फ्रेंच भाषी समुदाय का पक्ष लिया तो यह जो कहा गया है कि पक्ष लिया वह गलत है क्योंकि वहाँ पर क्या है समानता है उन्होंने चार संशोधन किए थे और उसमें उन्होंने वहाँ के नागरिकों को समानता दी थी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिकथन जो कहा गया वह बिल्कुल सही है लेकिन इसका कारण जो है वह बिल्कुल ही गलत है तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले साथ ही बच्चों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहे मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद